आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो स्टॉक के बारे में, चूंकि इस स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरी आते हुए दिख रहा है और जिस प्रकार से ये स्टॉक इस समय न्यूज़ में ट्रेंड हो रहा है तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस समय निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला न्यूज़ जो इस स्टॉक में इस समय जो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड होते हुए दिख रहा है कि ब्लिंकिट को जिसको अभी इसने एक्विजिशन करा है उसको 70 रुपीज पर शेयर प्रिफ्रेंशियल शेयर इशू किए हैं। प्रिफ्रेंशियल शेयर शायद बहुत लोगों को पता नहीं हो तो ये एक माध्यम होता है किसी भी कंपनी को फंड रेज करने का, जो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर या फिर किसी ग्रुप को देती है, ये एक पब्लिक इशू नहीं है, तो ये एक सेलेक्टेड ग्रुप या फिर कंपनी के लिए होती है। साथ में ही देखेंगे तो जो कुछ कंपनी है उसने इसके जो टारगेट प्राइस रखे हैं 70 से 80 तक के टारगेट प्राइस आते हुए दिखे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप इस समय देखें तो FIs ने अपनी होल्डिंग हटाई है, DIs ने अपनी होल्डिंग हटाई है और साथ में ये प्रमोटर है ही नहीं, 100% शेयर पब्लिक के पास है जिसमें FIs, DIs और पब्लिक सम्मिलित हैं। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि Uber ने भी कुछ अच्छे शेयर ही बेचे हैं, मतलब लगभग 8-10% के आसपास का रहा होगा। तो मेरा पर्सनली मानना है फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो श्योरली आप बाई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए। इस समय ऑलरेडी अगर आप फंसे हुए हैं तो एवरेज आउट भी लिमिटेड होना चाहिए, 7-8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनली टारगेट पोजिशनली अगर ये स्टॉक 58 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो 80-90 तक के टारगेट विद इन मैक्सिमम 1 ईयर के ड्यूरेशन में दिख सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो वॉलेटिलिटी है उसको देख करके आप इग्नोर कर सकते हैं।